हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। ओके, तो ये भी अमेरिका वाले ने बनाया था, अमेरिका वाले बहुत शाने रहते, तो अच्छा अच्छा लोगों ने मैट्रिक्स करके बिजनेस का केस स्टडी बनाया कि कौन सा बिजनेस कैसा होता है, क्या होता है। तो ये इसने क्या किया मालूम है, मेन चीज GE स्क्रीन इंक्लूड 9 सेल, इसमें 9 डब्बा होता है। ओके, हाई, मीडियम, लो, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक है ना। तो ये ग्रो मतलब क्या है, वो हाई भी है इसका इंडस्ट्री और बिजनेस की ताकत भी है। तो ऐसा करके तुमको समझा देने का, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक लिखने का, हाई, मीडियम, ग्रो। ओके, अब इसमें मेन चीज़ क्या समझाने का मालूम है, जी मैट्रिक्स में क्या है, 3 जोन दिखाने का है, ग्रीन, येल्लो, रेड जोन। आप लोग सिग्नल पे देखा रहेगा ना, ग्रीन लाइट आता है मतलब गाड़ी आगे जा रही है, रेड जोन मतलब गाड़ी रुकी है, तो आगे जाने का मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। ग्रीन जोन इंडिकेट्स फर्म कंपिटेटिव पोजिशन, मतलब कंपिटिशन में उसका पोजिशन एकदम स्ट्रांग है और इंडस्ट्री एकदम अच्छी खासी है, अट्रैक्टिव है। अदानी, रिलायंस, टाटा है ना, विप्रो, इन हाई इन केस ऑफ सर्टन प्रोडक्ट फर्म कंपिटेटिव पोजिशन इज स्ट्रांग एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिव, मतलब इट्स उसका पोजिशन टॉप पे है और इंडस्ट्री भी एकदम अच्छी खासी है। तो ये जो भी चीज़ बनाएगी उसको गो हैड मतलब ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जो भी बना रही है उसका चलेगा बिजनेस। जैसे टाटा कंपनी का एक और नया IPO है, टाटा टेक्नोलॉजीज, तो ग्रीन जोन है वो, अच्छा उसका मार्केट है। तो एक होता है रेड जोन। रेड जोन क्या है, इंडिकेट दैट फर्म कंपिटेटिव पोजिशन इज एवरेज, उसका कंपिटिशन में एकदम नीचे है वो, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिव, जो इसकी इंडस्ट्री है इज वेरी लो, मतलब उसका प्रोडक्ट इतना खास अट्रैक्ट नहीं कर रहा है पब्लिक को ना, जैसे MI का मोबाइल हो गया, राइट, iPhone ग्रीन जोन में ना, सैमसंग ग्रीन जोन में। आगे क्या दिया है, हाँ, वेरी लो है और वीक पोजिशन है। ओके, तो इस तरह रेड जोन गिव्स द सिग्नल टू स्टॉप, मतलब बिजनेस का प्रोडक्ट को स्टॉप कर देना चाहिए। तो येलो जोन क्या है, वेट एंड वॉच, मतलब रुको, फिर मौका मिला फिर आगे बढ़ो। तो ग्रीन सिग्नल और एक रेड सिग्नल। तो येलो जोन में क्या था, वेट एंड वॉच। तो येलो जोन इंडिकेट्स फर्म कंपिटेटिव पोजिशन स्ट्रांग एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी इज लो, फर्म तो स्ट्रांग है पर इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो नहीं हो रही, थोड़ा स्लो है, एवरेज है। ओके, तो इंडस्ट्री जो भी है अट्रैक्टिव इज मीडियम, ज़्यादा नहीं है। तो येलो जोन गिव्स वेट एंड वॉच सिग्नल, क्या देता है ये, वेट एंड, जब मौका मिलेगा तब उसको बढ़ा देंगे। तो 9 सेल ऑफ GE मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लो टू हाई इंडस्ट्री एंड वीक टू स्ट्रांग बिजनेस, वीक टू स्ट्रांग बिजनेस। तो ये 3 जोन के थ्रू लोगों ने समझा दिया, राइट। तो आपको ये टेबल बताने का है, अगर मैं इसका ले लूँगा तो ये क्या है, हाई भी है और एवरेज है, तो मतलब ग्रो ग्रो ग्रो, इधर क्या है, हार्वेस्ट, अभी टाइम जाएगा, होल्ड मतलब होल्ड करके रखो। इस तरह मैट्रिक्स है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस, अदर फैक्टर आता है, स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस की ताकत क्या क्या है, ये GE मैट्रिक्स 9 सेल मैट्रिक्स USA का था, राइट। ठीक है, थैंक यू।